के रिकॉर्ड में यूट्यूब पर आपको काफी सारी मूवीज को अपलोड करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, मूवी को एडिट आपको किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई तुम फेक हो, हम यूट्यूब पर मूवी को अपलोड कर रहे हैं लेकिन हमारे चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है। तो आज हम इसी वीडियो में ये सब कुछ सीखेंगे कि आपको यूट्यूब से मूवी कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी है बिना कॉपीराइट के, सब कुछ लाइव आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली चीज, वो लोग जो बहुत सारी बातों को लेकर शक करते हैं और डाउट करते हैं, नीचे टाइम को नोट कर लें, जो टाइम सिस्टम के अंदर चल रहा होगा शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के अंदर बिना किसी कट के, बिना किसी भी कॉपीराइट के, यानी यूट्यूब से ही मूवी को डाउनलोड करूंगा और यूट्यूब पर ही अपलोड करूंगा एक न्यू और बिल्कुल फ्रेश चैनल पर, जिसपे उनको ये ना लगे कि भाई आप किसी तरीके की कोई सेटिंग कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलती है। यानी यूट्यूब से हम मूवी किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से हम अपने नए यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और सीखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और वीडियो से आपको हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं आपकी और भी अधिक मदद कर सकूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जो हमने अभी बनाया है, जिस पर लिख रहा है हिंदी 2024 मूवीज़। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी मूवी हमने अपलोड नहीं करी है। मैं यहाँ से देखिए इसके कंटेंट एनालिटिक आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी किसी तरीके वीडियो नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले यूट्यूब पर, तो हम यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। अब यूट्यूब पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मूवी चाहिए, तो हम यहाँ पर मूवीज़ को सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं हम हिंदी, न्यू हिंदी मूवी 2024। तो हमने सर्च किया, अब देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी मूवीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरी आ रही हैं, आप देखना चाहें तो देखिए पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी बहुत सारी आपको मूवी देखने के लिए मिल रही हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मूवी चाहिए ऐसी जिसको कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकें और उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। यहाँ पे देखिए मूवी आपको काफ़ी सारी देखने के लिए मिलती हैं, नए नए पोस्टर मिलते हैं, नई नई मूवीज़ मिलती हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि मूवीज़ के अंदर जो पोस्टर लगा होता है वो मूवी इसके अंदर नहीं मिलती है। तो हमने यहाँ पे देखिए सर्च कर लिया, अब हम यहाँ चलते हैं फिल्टर पर और यहाँ से हम लेते हैं क्रिएटिव कॉमन। जैसे आप क्रिएटिव कॉमन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्रिएटिव कॉमन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी मूवीज़ आ जाएंगी। वो मूवीज़ हैं जो क्रिएटिव कॉमन के द्वारा आप अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बहुत कम चांस रहते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी मूवीज़ आपको नहीं लेनी है जिन पर मिलियंस में या थाउजेंड में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कौन सी मूवी लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। वीडियो में शुरू से एंड तक हमें हर एक स्टेप को कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। अब देखिए हमारे पास क्या चाहिए, हमने यहाँ पे देखिए मूवीज़ तो काफ़ी सारी आ रही हैं, ये देखिए पुरानी मूवी है, यहाँ पे देखिए पोस्टर नया लगा हुआ है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं नई मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो एक दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगी और उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी और वो मूवी यहाँ से हटा दी जाएगी। अब हमने देखिए यहाँ पर फिर से एक बार फिल्टर पर चलेंगे, क्रिएटिव कॉमन लेने के बाद हम यहाँ दिस वीक या दिस मंथ पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ के कलेक्शन आ जाएगा। अब देखिए नीचे आपको कल की मूवी दिख रही है, मर्टेन मूवी दिख रही है, लेकिन इनमें से कोई भी ओरिजिनल मूवी नहीं है, सभी फेक हैं और पुरानी मूवीज़ हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, किस मूवी को डाउनलोड करें, तो यहाँ पे आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर भी 1000 से कम व्यूज़ हों, यानी 1000 से कम अगर व्यूज़ हैं तो आप उस मूवी को यहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2-3 दिन के अंदर अगर उसके ऊपर कोई भी व्यूज़, यानी 2 से 3 दिन के अंदर अगर उस मूवीज़ के यानी 2 से 3 दिन के अंदर अगर उस मूवीज़ के ऊपर 1000 से कम व्यूज़ हैं तो समझ लीजिए ये एक नया यूट्यूब चैनल है और इसको अगर आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अल्लू अर्जुन ये एक मूवी है और मैं क्या करता हूँ इस मूवी को यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास और फिर मैं इसी मूवी को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मूवीज़ का नाम आ रहा है और हम क्या करते हैं यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से शेयर पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसके लिंक को करते हैं कॉपी और हम प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं डाउनलोड यूट्यूब मूवी। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अपने मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अपनी मूवी को कर लेता हूँ डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो भी लिंक है उस लिंक को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। वीडियो क्वालिटी जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मली 360 पर ही डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि जल्दी डाउनलोड हो जाएगी और मैं जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपलोड भी कर पाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर अभी मूवी थोड़ी सी प्रोग्रेस करेगी और उसके बाद देखिए यहाँ पर मूवी वहाँ पर डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये मूवी 360 से ऊपर की होगी तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी, नहीं होगी तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, ऐड आ गया, बंद करते हैं।
तो यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगी। तो देखिए प्ले हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए मूवी हमारी डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है। मैं मूवीज़ को यहाँ पर डाउनलोड होने देता हूँ पूरी की पूरी को। थोड़ी सी वीडियो की स्पीड को आगे पीछे करके मैं बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी डाउनलोड हो। अच्छा डाउनलोड, चलो हम ये हो रही है जब तक होने देते हैं, जब तक मैं क्या करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी सारी सेटिंग अभी नहीं की हैं, केवल चैनल ही बनाया था। तो मैं यहाँ से उस चैनल को ढूंढ लेता हूँ, कौन सा था, एक सेकंड मैं चैनल ढूंढ लूँ, जरा भूल गया मैं कौन सा वाला नया चैनल बनाया था, किस आईडी से। ये नहीं है, ये पुराना है। अरे कहाँ गया चैनल यार, कौन सा वाला था, भूल गया मैं। अभी एक सेकंड जरा हम चेक कर लेते हैं किस यूट्यूब चैनल पर हमने नया चैनल बनाया है। ये कौन सा वाला है, नया है पुराना, नहीं ये पुराना वाला है, तो इसमें नहीं है अभी ये। तो हाँ मुझे इस वाले चैनल पे से पहले मैं कीवर्ड्स को ले लेता हूँ जो मुझे उस चैनल पे डालने हैं। तो मेरे पास मेरे पुराने चैनल पर कुछ कीवर्ड्स थे जो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही सेट करके रखे थे, मैं वही सारे कीवर्ड्स को उठाऊंगा और अपने नई वाली मूवी के चैनल पर डाल दूँगा। देखिए ये सारे कीवर्ड्स हैं, कंट्रोल ए करके मैं इन सभी को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कंट्रोल ए करके मैंने इन सभी कॉपी कर लिया और मैं उस चैनल पर चलता हूँ जिस पर मैंने अभी मूवीज़ को अपलोड करूँगा। हाँ यही वाला, इसी पर आए। देखिए नया चैनल है, अब हम यहाँ चलते हैं इसकी सेटिंग पर। और सेटिंग पर जाने के बाद हम यहाँ से इसके ऊपर चलते हैं जनरल में। यहाँ से पहले हम इसकी लैंग्वेज वगैरह कंट्री वगैरह को सिलेक्ट कर देते हैं, तो हमने इंडिया ले लिया। और यहाँ से ये किड्स कर देते हैं और ये हमने कर दिया वेरीफाई। और यहाँ पर चैनल, अब देखिए ये आ गया डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में अपने पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि मुझे हर एक वीडियो को अपलोड करते समय मुझे सेट ना करना पड़े। यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग है, मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। मैं अपने चैनल को यहाँ पर इंटरटेनमेंट के अंदर सेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश इंडिया रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ले लिया मैंने इंग्लिश इंडिया। और नीचे वीडियो का टाइटल जो है उसको भी मैं इंग्लिश इंडिया पे ही सेट कर देता हूँ, इंग्लिश इंडिया। ऊपर ये आया हमारे पास इंग्लिश इंडिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको भी, ये हमारा सेट हो गया। इसका हमें नहीं पता क्या रखना है तो इसको हम यूँ ही छोड़ देंगे। इसको कमेंट्स वगैरह को हमने यस कर लिया, लाइक्स को भी शो कर लिया, परमिशन वगैरह में कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो हमारी सेटिंग यहाँ सेव हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मूवीज़ को अपलोड करना है। तो मूवीज़ को अपलोड करने से पहले हम यहाँ पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी मूवी डाउनलोड हुई है नहीं। देख लीजिए पूरी मूवी डाउनलोड हो चुकी है, हम यहाँ क्लिक करते हैं और देखिए ये मूवी हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर नहीं, इसका कुछ नहीं करना अभी मुझे। तो मैं अपने चैनल पर ही चलता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको बंद करो। ये आया नया वाला चैनल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट पे गए और यहाँ से हमने अपलोड मूवी पे क्लिक किया, यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। और जो भी हमारी मूवी है, मूवी हमारी डाउनलोड के अंदर गई है, ये आई। अब हम यहाँ पे अपनी मूवी के ऊपर कोई भी एक नाम दे देते हैं, तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मूवीज़ को भी रीनेम कर लीजिएगा जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया न्यू हिंदी मूवी 2024, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ 2024 करके। अब मुझे क्या करना है, इस मूवी को यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए मूवी हमने यहाँ पे अपलोड करने लगा दी है, कोई किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं करी, कोई यहाँ पे हमने एडिटिंग नहीं करी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन वाली मूवीज़ को उठाया है। अब देखिए टाइटल डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाल दिए थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिएंगे, तो हम टाइटल डिस्क्रिप्शन डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पहले इस पूरी मूवी को अपलोड होने देंगे और चेक करेंगे इसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या नहीं आई है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ भाई हमारी मूवी के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद हम अपनी मूवी के ऊपर कोई भी नाम और कोई भी थंबनेल लगा देंगे जिससे कि ये एक नई मूवी के रूप में अपलोड हो और लोग इस पर ज़्यादा क्लिक करें जिससे कि हमारा CTR बढ़े। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और मैं वीडियो को पूरा अपलोड होने दूंगा और वीडियो की पूरी चेकिंग होने दूंगा। और जब तक मेरे चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो मैं आपको कोई दूसरा तरीका समझा दूंगा जो आगे का स्टेप है हमारे इस मूवीज़ का अपलोड करने का। और नहीं आई तो ये आपको डायरेक्टली तरीका मिल गया कि हाँ भाई आप क्रिएटिव कॉमन की मूवीज़ को उठा सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन बस उस मूवी के ऊपर एक हफ्ते के अंदर 1000 व्यूज़ तक ना आए हों, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे पहला और मेन स्टेप है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और जिससे आपके चैनल पर कभी भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी।
वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच करिएगा, पूरी बातों को सुन लीजिएगा, जिससे आपके चैनल के ऊपर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे का स्टेप आपको समझाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी मूवी यहाँ पे 98-99% देखी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए मूवी यहाँ पे पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है पूरी मूवी। अब यहाँ पे क्या होगा, मूवी हमारी चेकिंग पे जाएगी कि भाई इस मूवी के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है या नहीं है। तो हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ भाई इसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या नहीं आएगा। जो भी लोग डाउट करते हैं वो टाइम को नोट करके पूरी वीडियो को देखिएगा। नीचे जो हमारा टाइम आ रहा है टाइमलाइन के ऊपर, वहाँ पे आपको कोई भी कट इस मूवी के अंदर नहीं दिखेगा। मैंने अगर गलत भी बोला है तो उसको भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको किसी तरीके की यहाँ पर एडिटिंग ना दिखे। तो हम थोड़ा वेट करते हैं और मूवी को यहाँ पर चेक होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारी मूवी यहाँ पे पूरी तरीके चेकिंग हो चुकी है, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया है हमारी मूवी के ऊपर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मूवी को अपनी को यहाँ से नेश करके हम फिनिश कर सकते हैं, या अब इस पर थंबनेल वगैरह लगाना चाहें और आप इस मूवी को यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे इस मूवी के ऊपर एक कल की मूवी डाल देता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल में डिमांडिंग वही है। तो मैं यहाँ कल की मूवी का ही नाम और टाइटल डाल देता हूँ, जिससे कि ऑडियंस तक ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और जल्दी से जल्दी ये चैनल यहाँ पर ग्रो हो। तो हम यहाँ पर नेश करते हैं और देखिए यहाँ पर अभी इम्पोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ नेक्स्ट करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ फिलहाल में। और यहाँ से मैं इसको अभी अनलिस्टेड रखता हूँ और फिलहाल मैं यहाँ यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। हमारी मूवी यहाँ पूरी तरीके कंप्लीट है और मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए वीडियो नहीं चढ़ी क्योंकि अभी पब्लिश नहीं किया हमने। तो हम चलते हैं कंटेंट के ऊपर और देखिए ये मूवी आ गई। मैं यहाँ से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इस मूवी को थोड़ी अपलोड कर लेता हूँ। हाँ, एनएलए खुल गया, चलिए कोई नहीं, डिटेल्स पर चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अपनी मूवी का नाम दे दे रहा हूँ, जो भी मुझे नाम अच्छा लगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मूवी यूट्यूब पर किस तरीके से अपलोड करनी है। ये कुछ जो मैंने बातें आपको बताई हैं, ये सारी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपके चैनल के ऊपर कभी भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। और मैं इस वाले चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप में से कुछ लोग इस चैनल को विजिट करना चाहें तो आप विजिट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस मूवी को यहाँ से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अगर अपलोड भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही रहेगी कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना नाम
या अपने चैनल का नाम आपको यहाँ पर कमेंट्स में डालना पड़ेगा, जिससे कि मुझे ये पता रहे, यानी कि इन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और ये यहाँ से मूवीज़ को अपलोड कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपनी मूवी के अंदर अपना टाइटल डाल ही दिया है, और जो टाइटल था उसी को हमने अपने डिस्क्रिप्शन में पेश कर दिया, और उसी को हम यहाँ पेश कर देते हैं अपने टैग के अंदर, और जो भी यहाँ पर हमारा डैश है उसको हटा कर यहाँ कॉमा लगा देंगे, ताकि ये सभी के सभी डैश हमारे यहाँ पर अलग हो जाएँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। तो देखिए, चार टैग हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, रैपिड एक्स को ओपन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट वही एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आपके नए कीवर्ड्स को निकाल के देता है। तो योर टैग जनरेट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं हम अपनी कल की मूवी। तो हमने यहाँ लिख दिया कल की न्यू मूवी 2024, ठीक है। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करते हैं, देखिए काफ़ी सारी टैग आ गई। यहाँ से हम कॉपी मारते हैं और इन सभी को ले जाके अपनी वीडियो के टैग के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा हैं तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पार्ट हमारे एक्स्ट्रा हैं उन सभी को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सभी टैगों को सेट कर लेता हूँ, और सभी टैगों को सेट करने के बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पर कर दूँगा पब्लिश। आप लोग भी अगर इस मूवी को यहाँ से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहें तो आप ईजिली कर सकते हैं, मुझे किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है आपसे। बस आपके द्वारा ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, दोनों चैनल मेरे, जिस पर आप वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने कल की मूवी का पोस्टर भी लगा दिया, और ये हमने मूवी को कर दिया सेव, और सेव करने तो ये हमने मूवी को कर दिया यहाँ पे सेव। और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश। तो देखिए, हमने पब्लिश किया और डन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से सेव।